गाइस बारी आती है मेरी थर्ड मील की, 12 बज रहे हैं दिन के। सो गाइस शाम के बज रहे 5 और यह मेरी फिफ्थ मील जो रहेगी मेरी प्री मील, जिसके अंदर मैंने ऐड करे 7:30 बज रहे हैं। अब मैं लूंगा अपना पोस्ट मील। पोस्ट मील के अंदर सबसे पहले मैं लूंगा। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्वागत है आप सबका मेरे बल्क सीरीज डे 2 पे। सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगा, मैंने अपनी बल्क सीरीज का नाम चेंज करके लीन गेनिंग में करा है, बिकॉज मैंने काफी बंदों से पूछा, अपने ट्रेनर से और अपने जिम के ऑनर से, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया आप बल्क ना करके लीन गेनिंग करो, बिकॉज उसमें आपका टाइम बचेगा। आप बल्क करोगे फिर कटिंग करोगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे एप्स जाए और मेरी इतनी अच्छी कटिंग है वो जाए। तो मैं अब बल्क ना करके गेनिंग सीरीज करूंगा, और जैसे ही आपको मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, मैं इस बार ही मैं आपके लिए डाइट प्लान लेके आऊंगा। वैसे भी आप मेरा क्लिक बिट देख के समझ गए होंगे मेरा डाइट प्लान है। सो मैं अप्रोक्सीमेटली मेरी 4-5 मील आज पूरे दिन में रहेगी मेरी मील्स, मैं सारी मील आपको दिखाऊंगा। सेकेंडली आज मेरा ट्राइसेप का वर्कआउट है वो भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना है, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरी फर्स्ट मील रहेगी दलिया और कर्ड। कर्ड है भाई 200 ग्राम दलिया के अंदर, मम्मी ने ऐड किया जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, थैंक यू फॉर मम्मी। तो मम्मी आपने बताओ दलिया में ऐड क्या किया जिससे कि लोगों को पता लगे आपने कैसे बनाते हो? मूंग की दाल दलिया में डाली। तो भाई जैसे कि आपने सुन लिया मम्मी के मुंह से, मूंग की दाल और दलिया, आप अपना टेस्ट चेंज करने के लिए दलिया सिंपल भी रख सकते हो, मूंग की दाल भी कर सकते हो, और दूध वाला दलिया भी आता है, और किसी को नहीं पता तो एक मम्मी उसका भी तो आता है गुड़ का, आप गुड़ का भी दलिया यूज कर सकते हो। काफी बंदे बोलेंगे गुड़ का मीठा होगा, तो भाई वो थोड़ा सा गुड़ का इंटेक कम करना, मतलब दलिया इतना लगे ना फीका ना ज्यादा मीठा। सो गाइस दलिया और दही खाने के बाद मैं लेता हूँ 30 मिनट के बाद सैलेड, जिससे कि मुझे फाइबर्स वगैरह काफी सारे मिलते हैं। गाइस बारी आती है मेरी थर्ड मील की, 12 बज रहे हैं दिन के, जिसके अंदर मैंने ऐड किया 4 ब्राउन ब्रेड, 2 बनाना प्लस पीनट बटर। अभी मैं यूज कर रहा हूँ पिंटोला का पीनट बटर, ये कोई मार्केटिंग नहीं है ना ही कोई प्रमोशन है। तो करते हैं स्टार्ट। गाइस अब मैं लूंगा अपनी फोर्थ मील, दिन के बज रहे 2:30, इट मींस कि हो रहा है लंच। ये मेरी ऐसी इकलौती मील है जो रेगुलर चेंज होती है, आज बना मेरे घर पे पेठा, कल बनेंगे छोले या कुछ भी, सबके घर पे ऐसे बनता ही होगा। तो मैं लूंगा अपनी फोर्थ मील। तो गाइस शाम के बज रहे 5 और यह मेरी फिफ्थ मील जो रहेगी मेरी प्री मील, जिसके अंदर मैंने ऐड करे 2 उबले हुए आलू, मैंने कर दिए मैश, और एक बाउल लिया मैंने कर्ड। तो ये लेके भाई आधा घंटा पहले, मैं हमेशा जिम से पहले ये खाता हूँ, इट मींस कि मैं कार्ब्स लोड करता हूँ, जिससे कि मेरा काफी अच्छा पंप आता है जिम के अंदर। तो ये खाएंगे और चलते हैं फिर जिम के अंदर लगाएंगे अपने ट्राइसेप का वर्कआउट।
बारी आती है मेरी फिर मील की, 7:30 बज रहे हैं, अब मैं लूंगा अपना पोस्ट मील। पोस्ट मील के अंदर सबसे पहले मैं लूंगा क्रिएटिन 1 स्कूप। क्रिएटिन कई बंदे लेते हैं प्री, कई लेते हैं पोस्ट, दोनों का ये एक ही बात है, माइंड सेट है अपना अपना, दोनों ही बेस्ट है। सेकंड मैं लूंगा 1 स्पून पीनट बटर, 4-5 लूंगा मैं व्हाइट एग, और 7 में लूंगा बनाना शेक। इसके बाद मेरी लास्ट बचेगी वो होगा मेरा डिनर जो मम्मी ने बनाया होगा। सो गाइस बारी आती है मेरी लास्ट मील की विच इज 7th मील। तो रात के बज रहे 10, अब मैं करूंगा अपना डिनर। तो डिनर के अंदर मैंने रखी है 2 चपाती और चिकन। चिकन के अंदर मैंने अपने घर से ही बनवाया हुआ है, मैं कोई बॉइल्ड चिकन या कोई चिकन ब्रेस्ट वगैरह नहीं ले रहा, ये आपकी प्रेफरेंस होगी, आपने नमक मिर्च वगैरह कितना डलवाना है। मैंने बहुत ज्यादा माइनस रखवाया, ना के बराबर, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं बॉइल्ड चिकन खाऊं, वैसे मैं बॉइल्ड चिकन खाता हूं, बट मैंने नमक मिर्च और काफी सारे जो मसाले होते सारे अवॉइड करके बिल्कुल थोड़ा सा माइनर डलवाया। सो गाइस जाते जाते मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, वाटर इनटेक 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है। मैंने इसके अंदर तभी ड्राई फ्रूट्स का मैंने नहीं यूज किया, ना ज्यादा मैंने चिकन वगैरह खाया, और भी काफी सारी चीजें होती है नट्स वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी कर जाते हैं, ये अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा जून जुलाई अगस्त में गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। अक्टूबर सितंबर के बाद जब मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा तब मैं अपनी डाइट के अंदर नट्स और काफी सारी जितनी भी गर्म चीजें होती है ऐड करूंगा। तो और सेकेंडली इस डाइट के प्लान के अंदर मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी है जो बहुत ज़्यादा कुछ महंगी हो, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबिलिटी आपको अपने घर में मिल जाएगी, और एक्सेप्ट क्रिएटिन, क्रिएटिन सिर्फ बाहर से लेके आया हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने घर से ही, आपने देख लिया होगा मैंने सारी चीज़ें घर से ही निकाली है। और हाँ, जिसका मतलब अभी बजट वगैरह बढ़िया हो ना तो प्रोटीन ऐड कर सकता है कोई अच्छी कंपनी का, बट मैं अभी अपने आप को विदाउट प्रोटीन जहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ अच्छे से अच्छे लेवल तक, लास्ट सितंबर या अगस्त तक मैं अपने विदाउट प्रोटीन रखूंगा। सितंबर या अक्टूबर में या हो सकता नवंबर में मे भी मैं जो भी प्रोटीन लूंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज कर रहा हूँ। बट मैं लास्ट मैंने जो प्रोटीन लिया था 1 साल पहले वो मैंने लिया था मसल टेक, कोई प्रमोशन नहीं है, उसी का ही मैं क्रिएटिन अभी यूज कर रहा हूँ, उसी का मैंने प्रोटीन यूज कर चुका हूँ वो भी 1-1.5 साल पहले, काफी अच्छे रिजल्ट थे। उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए मुझे छोड़ना पड़ा, मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, मैंने जिम भी छोड़ दी थी, ये शायद मैंने अपने ब्लॉग में फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, लव यू ऑल गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।